राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में दिख रहा है मानसून का विकराल रूप। आज कई जिलों में भारी बारिश का है अलर्ट। मानसून की दस्तक के बाद से राजस्थान के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश का दौर जारी है। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जो है रास्तों पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान जो है राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश और कुछ इलाकों में जो है यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात की बात यहाँ पर कही है। जैसे बात यह की राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल दिन भर जो है यहाँ पर तेज बारिश टोंक और आसपास के इलाकों में हुई। मालपुरा, देवली और पीपलू में कई गांव जो है यहाँ पर कई गांव मौजूद तालाब यानी कट ओवरफ्लो होकर बहने लगे। बरसाती नदियां उफान मारने लगी। वह स्कूल में बिजली सब स्टेशन और सड़कों पर जो है घुटनों तक पानी यहाँ पर आ गया। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज सभी स्कूलों के लिए छुट्टी यहाँ पर घोषित कर दी है। इधर तेज बारिश के बाद बिशनपुर बांध का गैस भी जो है 24 घंटों में जो है 43 सेंटीमीटर बढ़कर 310.9 आरएल मीटर पर आ गया है। मौसम विभाग के अंदर जयपुर ने आज राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही कुल 19 जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो ज्यादातर यहाँ पर इलाकों में जो है वो 8 तारीख तक चलता रहेगा। वह इसके बाद जो है उसमें थोड़ी यहाँ पर कमी आएगी। वह जल संसाधन विभाग और मौसम विभाग के अंदर जयपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में कल सबसे ज्यादा बारिश 162 mm बारिश देवली टोंक इलाके में हुई है, जहां पर 162 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा टोंक की टोरडी सागर इलाके में 122 mm, मालपुरा में 115 mm, टोंक शहर में 129 mm, टोडा रायसिंह नगर ये एक शहर है टोंक में ही, वहां पर 126 mm बारिश हुई है। बिशनपुर बांध में 141 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा टोंक के अलावा सवाईमाधोपुर करौली में जबरदस्त बारिश हुई है। सवाईमाधोपुर में लगातार चौथे दिन जो है 83 mm बारिश हुई, यानी यहाँ पर चौथ इलाके के अंदर जो है यहाँ पर ये 83 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसरोवर बांध में जो है 52 mm बरसात हुई। इसके अलावा कांडा इलाके में 63 mm बारिश हुई। वही महावीर जी में भी 117 mm बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। करौली शहर में 114 और हिंडन इलाका जो है इंडोन क्षेत्र वहां भी 81 mm बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है। वही टोंक के बिशनपुर बांध और उसके आसपास के इलाकों में जो है केजबेन डैम 5 इंच से ज्यादा बरसात के कारण कल जो है बांध का गेज 3 दिन में जो है वो 43 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। वही बिशनपुर बांध से जयपुर अजमेर को पानी का जो मतलब पीने का पानी जो है वो सप्लाई ये बांध करता है। कुछ एरिया में सिंचाई के लिए भी इसमें का पानी सप्लाई होता है। ये पानी अजमेर, जयपुर और ब्यावर के आसपास के इलाकों के लिए जो है यहाँ पर 20 दिन तक के लिए उपयोगी होगा। वही बांध का गैस जो है कल 309.6 आरएल मीटर था, जो कि रात भर बढ़कर 310.9 आरएल मीटर तक पहुंच गया। यानी भारी बारिश के कारण लोगों को जो है यहाँ पर इन इलाके में जो है गर्मी से राहत मिली है और इधर बांध का गैस भी लगातार बढ़ गया है। वही आज कुछ इलाकों में जो है भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अत्यधिक भारी बारिश की बात करें तो अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा और धौलपुर करौली में इतनी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बांसवाड़ा और बूंदी और इसके अलावा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक में भी जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश को लेकर जो है यहाँ पर चेतावनी दी गई है। राजस्थान में लगातार मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि राजस्थान के मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना आपको सबसे पहले मिलती रहे।